Subscribe to my YouTube channel Heartfulness Om and press the bell icon to watch my latest videos first. Hello everyone, welcome to my channel Heartfulness Om. And the weather is really really pleasant today. It's raining and happy Sawan. I think Sawan start होने वाला है. तो जल्दी ही मुझे कोई वीडियो करनी चाहिए शिवजी के व्रत के ऊपर. वैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं 16 सोमवार व्रत की और व्रत की कथा सुननी है तो. एनीवेज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डू अ रिव्यू वीडियो ऑन नाइल शैम्पू. ये शैम्पू मैंने परचेज़ किया था 2 महीने पहले एंड इसका प्राइस है 195 और 195 के लिए आपको मिल रहा है 400 ml. क्वांटिटी बहुत ही अच्छी है इसकी और ये पैराबेन फ्री है. मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि मोस्टली शैम्पू जो होते हैं पैराबेन फ्री नहीं होते हैं. पैराबेन बहुत खतरनाक होता है आपके लिए. वो आपके हार्मोन लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एस्ट्रोजन वगैरह. मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता बट जितना पता है वो बता रही हूँ. तो ये पैराबेन फ्री है तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा. ये चीज़ इसकी बहुत ही अच्छी है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैराबेन फ्री तो है ये, इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो वॉश करने के बाद मेरे बाल बहुत थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो गए थे. आई डोंट नो व्हाई. जो ये शैम्पू है ये क्लेम करता है ये डैमेज फ्री है एंड इट हेल्प्स, इट इज़ विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, पैराबेन फ्री, पीएच बैलेंस्ड. इसके अंदर हिबिस्कस, पपाया, शिकाकाई और आमला है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथस देता है और रिपेयर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है बालों को और स्मूथ करता है. ये इन्होंने इस बोतल में लिखा हुआ है. और बाकी जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले हुए हैं वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पपाया है और काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम भी है इसके अंदर. वो तो मोस्टली मैंने देखा हर एक ही शैम्पू में होते हैं तो. लेकिन जो बाकी है इसके अंदर वो कुछ मतलब फ्रेग्रेंस है, अल्कोहल भी है और शिकाकाई, आमला, हिबिस्कस, एक फ्लावर होता है जो आप इसके बोतल की पैकेजिंग में अभी देखेंगे रेड कलर का, जैसे लिली टाइप का फ्लावर मोस्टली घरों में आपने देखा होगा. वो आई थिंक ये उसकी बात करें लग तो मुझे वही रहा है ये. अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं एनी टाइम. इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी खुशबू है. आई जस्ट लव द स्मेल. बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी. बाल धोने के बाद भी खुशबू रहती है, मीठी मीठी, फ्रूटी फ्रूटी और मतलब अच्छी लग रही है इसकी खुशबू. बहुत ही प्यारी लग रही है. पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, लीकेज नहीं होता है इसका और कलर भी बहुत सुंदर है. वॉशरूम में जब आप बाथरूम में ये बोतल रखते हो तो ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है. और इसकी पैकेजिंग में जो इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है इंग्रेडिएंट्स वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे ये काफ़ी बोतल अच्छी लगी. 400 ml इसकी क्वान्टिटी है और अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 200 rupees. तो उस हिसाब से अच्छा है शैम्पू बट मैं इसे 7 marks दे रही हूँ 10 में से. क्योंकि रीज़न बस यही है कि मेरे बाल थोड़े से ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट एंड मॉइस्चर नहीं देते आपके बालों में. बट ये क्लेम भी नहीं कर रहा है वो. और ओवरऑल अच्छा शैम्पू है, मतलब ठीक है. ओके, पैराबेन फ्री है, सबसे बेस्ट थिंग तो यही है. तो अगर आप नेचुरल शैम्पू चाहते हैं जो आपके बालों को डैमेज ना करे और जो खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा ना आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये शैम्पू जरूर यूज़ करें. और आपको हॉर्मोन्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो शैम्पूज में पैराबेन होता है वो आपके हॉर्मोन्स अगर ऑलरेडी मतलब बैलेंस नहीं है या फिर कुछ हॉर्मोन रिलेटेड आपको इश्यूज़ है तो वो ये उसको मतलब नहीं ख़राब करेगा. आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो हॉर्मोन्स रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर लीजिए, मतलब कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे. एज कम इसमें पैराबेन फ्री है ये और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है. शैम्पू का कंसिस्टेंसी भी अच्छी है और थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी है. तो अब नई वीडियो में आपको जल्दी मिलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय बाय.